हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी, राजेश जोन सीएनसी प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है सीएनसी टर्निंग का। सीएनसी टर्निंग में, सीएनसी रेत में ड्रिल के बारे में जानेंगे, जो कि ड्रिल है हमारा सेंटर ड्रिल, और ड्रिल आता है एससी मतलब सॉलिड कार्बाइड, या आता है एचएसएस, इसमें भी आता है टेपर सेंक और पैरेलल सेंक। तीसरे नंबर में आता है यू ड्रिल। तो आज ये तीनों ड्रिल के बारे में हम जानेंगे। अब तक मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो आइए चलते हैं। सेंट्रल ड्रिल क्या होता है? सेंट्रल ड्रिल जैसे भाई फोटो में देखेंगे, ये दो मुहे रहता है। सेंट्रल ड्रिल कभी भी दो मुहे रहता है, इसमें फ्लूट बने रहते हैं। इसे ये चिप्स बाहर निकलने के लिए इस तरह से फ्लूट बने रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये टीप हो गया। देखते हैं हम ड्रिल में क्या होता है। एक तो कार्बाइड ड्रिल होता है, एसएस ड्रिल होते हैं, बहुत प्रकार के ड्रिल होते हैं इसमें भी टेपर सेंक ड्रिल। इसमें जैसे आपका रहते हैं ये, तो चिप्स निकलने के लिए रहते हैं। ये इमेजिन करके जैसे वीडियो फोटो में देखेंगे आप, ये टेपर, इसको बोलते हैं टेपर सेंक। टेपर सेंक बोलते हैं इसको। इसमें भी हम जैसे आप 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से हमारा टेपर सेंक में रहता है। अब इसी तरह से हमारा दूसरा ड्रिल आता है एचएसएस में, खास करके आता है इसमें एचएसएस ड्रिल हमारा, ये टेपर सेंक में आते हैं और पैरेलल सेंक। अब ये टेपर सेंक हो गया, एचएसएस में भी पैरेलल सेंक आते हैं, पैरेलल सेंक। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको वीडियो ड्राइंग में, जैसे आपको फोटो में भी देखेंगे पैरेलल सेंक। और यूड्रिल आता है हमारा, तीसरा नंबर पे आता है हमारा यूड्रिल। इस तरह से आएगा आपका, ये फ्लूट लेंथ हमारा अलग अलग में आते हैं, जैसे इनमें आते हैं वैसे इनमें फ्लूट लेंथ भी आते हैं। जो इंसर्ट का काम करता है, एक तो आउटर में रहता है सेंटर का, सेंटर से आउट रहता है, एक सेंटर से हल्का सा शिफ्ट रहता है। ये इंसर्ट करता है सेंटर का काम, सेंटर कट का काम, ये बाहर का काम करता है। तो आइए हम चलते हैं, आप सीएनसी में इन ड्रिल का ऑफसेट लेना सीखते हैं, ड्रिलों का ऑफसेट लेना सीखते हैं। अब मैं फोटो बताता हूं आपको। चौक है तो हमारा, मान लीजिए ये हमारा यू ड्रिल हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे एस एस ड्रिल हो, सेंटर ड्रिल, ये हमें पता रहना चाहिए कि हमारा कितना डाया का ड्रिल है। मान लीजिए हमारा इस डाया का हमारा 10 mm का ड्रिल है, ये भी 10 mm का ड्रिल है डाया, ये भी डाया 10 का ड्रिल है, अब ये यू ड्रिल आता है आपका कम से कम छोटा से छोटा पतला हमारा आता है डाया 15 mm से आता है।
दाया 15 mm से यूट्यूब स्टार्ट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम जानते हैं ड्रिल का ऑफसेट कैसे लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा, हमने डाया 100 mm का हमारा ये डाया है। तो आपका जो पहले तो आप इसको हल्का सा टर्न कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए अगर ऊपर नीचे है, ठीक है ना। हल्का सा टर्न कीजिए और हल्के से फेस कर लीजिए मैनुअली, ठीक है ना। यहाँ से फेस कर लिया आपने, इतना और इतना फेस कर लिया और ओडी टर्न कर लिया, क्लीन कर लिया जहाँ टच लेना है आपको, एग्जैक्ट सेंटर लेने के लिए। एग्जैक्ट सेंटर लेने के लिए आपको हल्का सा कट लगाना पड़ेगा, या मैं कितना डाया है, हमें 100 डाया बनाना है तो 100 डाया का बना लीजिए। क्योंकि सेंटर ड्रिल तो हम यहाँ बनाएंगे, ये हमारा सेंटर ड्रिल रहेगा, ड्रिल तो हम सेंटर में मारेंगे, सीएनसी टर्निंग में हम ड्रिल सेंटर में मारेंगे, सेंटर में मारेंगे। तो हमारा मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपका, आपके लिए प्रैक्टिकली बनाऊंगा। ये हमारा थ्योरेटिकल हो गया और प्रैक्टिकली बनाऊंगा मैं आपको। तो मान लीजिए हम यू ड्रिल लेते हैं या सेंटर ड्रिल लेते हैं, सभी का हमें डाया पता है, ये 10 का डाया है, ये 10 का डाया है, 10 का डाया है, 10 का डाया है, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम ये पैरेलल शैंक ले लेते हैं या एचएसएस शैंक, चलिए हम ये वाला ले लेते हैं पैरेलल शैंक। तो हम यहाँ पर ड्रिल लेके आएंगे, ये हमारा ड्रिल हो गया समझिए, ये हमने 100 का डाया में टच कर लिया इसका कोना, ठीक है। कोना, वो कोना करना आप जो आपका ये इंसर्ट है तो इंसर्ट, या तो ये धार है, देखिए धार के पीछे भी डाया अंडर साइज रहते हैं, जो हमारा शार्प एज रहता है वो कोना हमें हल्के से यहाँ पर पेपर लगा लीजिए, चाहे पेपर होता है 10 से 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन का पेपर लगा लीजिए और हल्के हल्के आप लीजिए और यहाँ पे ऑफसेट दीजिए, यहाँ पे टच कीजिए। अब टच करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, आप ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री जाने के बाद एक्स में जाएंगे, एक्स में कितना नंबर टूल है आपका, मान लीजिए टूल नंबर 1 है, 01 टूल नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। एक्स में जाएंगे, यहाँ पर क्रशर ले जाएंगे येलो येलो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अभी आगे क्या करना है, एक्स हम क्या करेंगे, एक्स में क्या करेंगे, 100 तो ये हो गया डाया हमारा, 100 प्लस क्या करेंगे, ये 10 mm का डाया, ये तो क्या है डाया 10.0 का हमारा प्लस 10, ठीक है ना। तो 110 एक्स में 100 यहाँ पे नहीं लाना है, 110.0 उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिखा रहता है MEASUR मेजर, मेजर का बटन दबाएंगे तो खट से हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए -244.0 आ गया, ठीक है ना, 110। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम सीएनसी के ओडी टर्निंग वाले टूल हम लेते हैं, टर्निंग वाला टूल का हम ऑफसेट लेते हैं इस तरह से, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, एक्स 100.0 ये क्या हो गया 100.0 मेजर कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कुछ और वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए 240.0 आ गया हमारा। अब इसमें ड्रिल का पूरा डाया माइनस करना है, -10.0 प्लस इनपुट करेंगे तो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जेड का ऑफसेट लेते हैं, अब क्या करते हैं, ये ड्रिल हम
यहां लेके आएंगे, ये ड्रिल हम यहां लेके आएंगे, ये हमारा जेड का अपसेट हो जाएगा। इसी तरह से जेड का अपसेट तो आपको पता ही होगा, यहां पे हल्का सा टच करें या 10-20 माइक्रोन 50 माइक्रोन पीछे रखें। अगर आप टच कर देते हैं तो आपका ड्रिल का बीट का ड्रिल बीट का ये आपका कोना खराब हो सकता है। कार्बाइड है तो बिल्कुल हल्के से टच में ही खराब हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सी है। एक्स का आपने अपसेट ले लिया, अब यहां हमारा जेड आएगा, जेड आएगा इस बॉक्स में। हमारा क्या करना है, जेड का वैल्यू आएगा हमारा सीधे सीधे क्या करना है, जेड 0.0, जेड 0.0 मेजर कर देंगे, मेजर कर देंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी माइनस में माइनस 220.0 इस तरह से आ सकती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जाना सेंटर ड्रिल क्या होता है, ड्रिल क्या होता है, ड्रिल में भी एसिड ड्रिल, एसिड मतलब सॉलिड कार्बाइड, सॉलिड कार्बाइड एचएसएस, एचएसएस में भी क्या होता है, टेपर सैंड ड्रिल, पैरेलल सैंड ड्रिल और यू ड्रिल है। और यू ड्रिल में हम सीएनसी में कैसे अपसेट लेते हैं इस बारे में जाना। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।